बिलीवी क्या होता है? BLEVE मतलब बॉयलिंग लिक्विड एक्सपेंडिंग वेपर एक्सप्लोजन। ये क्या होता है इसके बारे में आप डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते। नमस्कार, मेरा नाम विजय दैया है और मैं आपका स्वागत करता हूँ टेकी गुरुकुल चैनल। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर हमने आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब करें। और इस चैनल पे हम बहुत सारी फायर के टेक्निकल टर्म्स और फायर फाइटिंग वीडियोज और फायर के बारे में कंप्लीट कोर्स लेके आ रहे हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं बिलीवी क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या है, जब भी कोई भी लिक्विड होगा किसी वेसल में, जैसे सिलेंडर में है या किसी और कंटेनर में है, तो अगर उसके अंदर कोई लिक्विड है तो लिक्विड उसके आउटर पोर्शन में, अगर उसके नियर बाई में आग लगेगी तो वेपर्स, जो लिक्विड है वो वेपर्स छोड़ना शुरू करेगा, और वो वेपर्स इतने, उसका प्रेशर इतना हो जाएगा कि जो वेसल है उसको संभालने में सक्षम नहीं रहेगा। वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो इतना एक्सपेंड कर जाएगा कि वो उसको संभालने में कैपेबल नहीं रहेगा और वो रप्चर करके फट जाएगा, लीक हो जाएगा। तो उस पोजीशन को कहते हैं हम ब्लीवी। जैसे LPG सिलेंडर है वो गर्म होना शुरू हुआ, आग में कहीं रखा हुआ है या उसके सराउंडिंग में फायर है, तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर करके जो अंदर का जो बॉइलिंग वो लिक्विड है उसके अंदर, LPG गैस भरी सिलेंडर अंदर, तो वो बेसिकली गर्मी एब्जॉर्ब करके फैलेगी, वेपर्स रिलीज करेगी, और वेपर्स का प्रेशर इतना हो जाएगा कि जो सिलेंडर है वो उसको होल्ड नहीं कर पाएगा और वो फट जाएगा। तो इसी के टर्म्स को बोलते हैं हम ग्लीवी, बॉइलिंग लिक्विड एक्सपेंडिंग वेपर एक्सप्लोजन। तो ये कहाँ होता है ये और देखते हैं बिलीव होने के रीजंस क्या हैं। जो हमारा जो भी फ्यूल, उसके फ्यूल या कोई भी नॉन फ्लेमेबल लिक्विड वेसल सील्ड कंटेनर में रखा हुआ है, तो जब वो गर्मी पाएगा, आग में गिर जाएगा, उसके आसपास कहीं हीट सोर्स होगा, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता रहेगा। और एक टाइम किसी भी वेसल की एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है, चाहे वो हमारे गैस का सिलेंडर हो या ट्रेन का कंटेनर, उसकी एक लिमिटेड कैपेसिटी हो, इतने प्रेशर को ही झेल पाएगा, और कंटिन्यू हीट के कारण उसका जो वेपर प्रेशर वो अंदर से ज़्यादा हो जाएगा तो वो फट जाएगा। ये मेन रीज़न है बिलीवी होने का। इसके अंदर रिस्क क्या होते हैं, जो हमारा बिलीवी होता है इसके अंदर, एक तो एक्सप्लोजन होता है, जब वो रप्चर फटेगा तो उसके वहाँ पे एक्सप्लोजन होगा। उसके अलावा वहाँ पे फ्लैश फायर होगा, अगर वहाँ पे फ्लेमेबल लिक्विड है उसके अंदर, जैसे कोई गैस है जो फ्लेमेबल है या कोई और लिक्विड है जो फ्लेमेबल है, तो जैसे ही वो रप्चर करेगा तो हीट सोर्स तो बाहर मिल ही जाएगी उसको, तो अचानक एकदम आग बढ़ा देगा, तो फ्लैश फायर उसको बोल सकते हैं हम। फिर उसके अलावा जो वेसल है हमारा, जब वो रप्चर होगा, जब उसमें ब्लास्ट होगा या कहीं से लीक होगा, तो उसके जो डिब्रीज हैं, उसके जो पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं वेसल के, या सिलेंडर कह लो या कंटेनर कह लो, तो वो छिटक के इधर उधर किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, उसके बारे में कोई फिक्स वो नहीं है, पैटर्न वो उसी पैटर्न में जाएंगे। उसके अलावा जिस जैसे किसी बंद फैक्ट्री के अंदर या आपके किसी सील्ड उसके अंदर कंपार्टमेंट के अंदर वो होगा, जैसे हमारा बॉयलर होते हैं, बॉयलर रूम सेपरेट होते हैं फैक्ट्री में, तो जब भी उसमें एक्सप्लोजन होगा तो स्ट्रक्चर जो होगा उसको, अगर वो उसमें स्ट्रक्चर को भी डैमेज कर दे, और जो स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाते हैं, जो बिल्डिंग है वो कोलैप्स हो जाती है, वो भी इसमें हो सकता है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं जो हमारे सिलेंडर ने ब्लास्ट किया है, तो उसको बिल्डिंग को कैसे उसने कर दिया है। बिलीव होने के सिम्टम्स क्या रहेंगे, हमें कैसे पता लगेगा बिलीवी होने वाला है या होने के चांसेस हैं, तो वहाँ पे जो कई वेसल्स होते हैं जिसमें PRV होती है, प्रेशर रिलीज वाल्व होती है, जैसे हमारे CNG सिलेंडर हो गए उसमें प्रेशर रिलीज वाल्व होती है, या हमारे जो कंप्रेशर्स होते हैं जो पंचर वगैरह के मारते हैं, तो उसमें भी एक PRV लगी रहती है। LPG सिलेंडर में तो नहीं होती वो, लेकिन और भी कई चीज़ों में होती है, जैसे उस टाइम पे वो एक्टिवेट हो जाएगी अगर ज़्यादा प्रेशर होगा, तो जो हमारी प्रेशर रिलीज वाल्व जो मैकेनिज्म है उसका वो एक्टिवेट हो जाए। उसके अलावा जो उसका जो साउंड है PRV का, जब ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा तो ज़्यादा तेज़ वहाँ से प्रेशर रिलीज करना शुरू करेगा, तो उसकी जो वेसल्स की जो उसकी आवाज़ है PRV की वो हमें तेज़ सुनाए, कि जो पिच है आवाज़ की जो PRV की है वो लाउडर और ज़्यादा वाइड हो जाएगी। तो ये हमारा एक सिम्टम हम पता लगा सकते हैं, अगर उसके अंदर PRV लगी हुई है तो
तो वहाँ पे रिस्क बढ़ रहा है, तो उसको दूर रह के उसको अपनी सेफ्टी मार्जिन से हम कम कर सकते हैं फायर फाइटिंग द्वारा। उसके अंदर फ्लेमेबल लिक्विड स्टोर किया हुआ है, जैसे किसी कंटेनर के अंदर पीआरवी भी लगा रखे और वहाँ पे फ्लेमेबल लिक्विड भी है, तो जो उसमें आग लगी होती है पीआरवी के, वहाँ से फ्लेम पकड़ लेगा, तो उसका जो गैप है फ्लेम का और जो वेसल का है वो बढ़ जाएगा। इसमें अंदर से ज़्यादा प्रेशर आ रहा है तो वहाँ पे प्रेशर अंदर बढ़ चुका, तो ये भी एक उसका सिम्टम है ब्लीविंग का, भाई वहाँ पे ब्लीविंग हो सकता है। वेसल है वो डीफॉर्म हो जाएगा, वो कहीं से फूल जाएगा थोड़ा बहुत, जैसे फ्लफी हो जाएगा, जो सिलेंडर है गैस का वो शेप चेंज कर लेगा, या कोई और कंटेनर है वो उसकी जो नॉर्मल शेप है उसको डीफॉर्म हो जाएगा, उसको थोड़ा सा साइड में से कोई जैसे उसका जो साइज है वो चेंज हो जाएगा, नेचुरल उसमें जो उसका रूप है वो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। अगर ऐसा केसेस में है तो भी वहाँ पे चांसेस है वहाँ पे ब्लीविंग हो सकता है। तो वो इतना गर्म, हम वाटर जेट लगा रहे हैं उसके सिलेंडर पे या किसी वेसल पे, और हमारा पानी जो है उसको टच करते ही वेपराइज हो रहा है, तो इसका मतलब भी वो बहुत ज़्यादा गर्म है और वहाँ पे बिलीवी होने के चांसेस हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम कंसिडर कर सकते हैं बिलीवी होने के, जो हमें टेक्निकल टर्म्स में बताए हैं वही बिलीवी वहाँ पे हो सकता है। तो उसके लिए ये है, स्पेशल फायर फाइटर को ये पता होना चाहिए हम जहाँ पे फायर फाइटिंग करने के लिए जा रहे हैं तो उसका जो ये सिम्टम्स हैं, हम पानी अप्लाई कर रहे हैं और उसको चौकन्ना रहना चाहिए ताकि दुर्घटना ना हो। अब सिम्टम्स की बात आती है प्रिकॉशंस, प्रिकॉशंस हम क्या क्या ले सकते हैं बिलीवी के अगेंस्ट, ना हम दूरी मेंटेन कर पाएंगे प्रिकॉशन, जैसे हमारा कोई भी वेसल है हमें पता हमारे जेट वहाँ तक जा सकते हैं, तो सेफ डिस्टेंस मैक्सिमम जहाँ से हम बता सकते हैं वो सेफ्टी डिस्टेंस हम ले सकते हैं। उसके अलावा जैसे आजकल फायर फाइटिंग रोबोट्स आ गए हैं, या कोई ब्रांच हैंडलर है या मॉनिटर है जो फिक्स मॉनिटर हम जमीन पर रख के उसको हम फायर फाइटिंग कर सकते हैं, तो ये प्रिकॉशंस हम उसमें ले। नेक्स्ट, जो हमारा कंटेनर है जहाँ पे वो रखा हुआ है उसके आसपास हम ज़्यादा मात्रा में अगर पानी भर दें वहाँ पे तो भी वो बिलीवी होने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि उसका टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा, टेम्परेचर रिड्यूस होने के बाद बिलीवी होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर कोई वो जो वेसल है वो रप्चर कर गया कहीं से पीआरवी से कहीं से और गैस निकल गई, तो उस पर डायरेक्टली हमें पानी नहीं लगाना है, अगर उसके हम लगाएंगे तो वहाँ पे पानी की बर्फ़ जम जाएगी, कोई भी गैस प्रेशर प्रेशराइज से डी प्रेशराइज होती है तो जम जाती है, तो उससे थोड़ा सा बचना है। जो हमारा बिलीवी है तो उसके जो वेसल्स के जो डबरीज हैं या उसके पार्ट्स हैं वो किसी भी डायरेक्शन में आ सकते हैं, तो एक सेफ्टी मार्जिन रख के किसी दीवार की ओर लेके या कोई अपना प्रोडक्शन लेके कोई साइड में है या नीचे लेट के उससे मैक्सिमम कोशिश करना भाई उससे दूर रहें, और किसी ऐसी दीवार का सहारा लिया जाए ताकि उसको वो डिबरी ब्लास्ट हो जाती है तो हमारे तक ना पहुंच पाए। हमारा नियोस है वो कंटिन्यू फायर फाइटर के वो ट्रेनिंग देने की सलाह देता है भाई, जो हमारे ट्रेंड फायर फाइटर हैं उनको और अपग्रेड किया जाए ताकि जो ब्लीवी के जो सिम्टम्स हैं, जो डेंजर है, जो हैजार्ड्स हैं, उसको फायरमैन को अवेयर किया जाए, ताकि फायरमैन को ज़्यादा से ज़्यादा उसकी ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो बिलीवी की पोजीशन में अपने आप को सेफ रख पाए। उम्मीद है आपको बिलीवी समझ में आया होगा। तो बिलीवी के जो सिम्टम्स थे वो मैंने आपको बताए, बिलीवी के रीजन बताए, बिलीवी के प्रिकॉशंस बताए, तो अगर आपका कोई डाउट रह गया है तो आप इसको कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, यूजफुल लगी हो, तो इसको शेयर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।